नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में आज जो वर्ल्ड कप में मैच है, इस मैच के ड्रीम 11 टीम की, साथ साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयरों की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलते ही वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। तो नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बस उसके ऊपर आपको टच ही करना, तो प्लीज़ यार टच कर दो, उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के पिछले प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम श्रीलंका की। तो श्रीलंका का पिछला प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, लेहरू तिरिमाने थे, दिमुथ करोरत्ने, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, मिलिंदा श्रीवर्धना, तिशारा परेरा, धनंजय डी सिल्वा, इसिरु उदाना, नुआन प्रदीप, लसित मलिंगा। अब इसका फर्नांडो के आज खेलने का चांसेस है, जैसे मैंने दिखा रखा आप लोग देख सकते हैं, लेहरू तिरिमाने की जगह अब इसका फर्नांडो शायद खेल सकते हैं आज। तो एक चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो देख लीजिएगा अगर टॉस होने के बाद अविष्का फर्नांडो खेलते तो उनको लीजिएगा, लेहरू तिरिमाने को अगर आप लेते हो तो उनको ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं जो बैट्समैन लास्ट मैच में श्रीलंका की ओर से रन किए थे, स्कोर किए थे, दिमुथ करोरत्ने ने 97 यानी 97 रन बनाए थे, कुशल परेरा ने 52 यानी 52 बनाए थे। इसके अलावा जिन बॉलरों ने विकेट लिए थे आप देख सकते, धनंजय डी सिल्वा ने 2 विकेट लिए थे, इसिरु उदाना ने 2 विकेट लिए थे और लसित मलिंगा ने 1 विकेट लिया था। इसके अलावा किसी भी बॉलर को कोई विकेट नहीं मिला था। तो जो प्लेयर परफॉर्म किए थे लास्ट मैच में आपके सामने आप देख सकते हो, इनको अगर आप अपनी टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। अब इसके बाद बात करता हूँ इंग्लैंड की टीम की। तो इंग्लैंड का लास्ट प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, जेम्स बीन्स थे, आपको तो जेसन रॉय अभी तक फिट नहीं हुए तो उनके खेलने के चांसेस ना के बराबर है, तो उनको ना ले तो अच्छा होगा। तो उसके अलावा जॉनी ब्रेस्टो थे, जॉय रूट, इयान मॉर्गन, जॉश बटलर, बेन स्टोक, मोइन अली, क्रिस बॉक्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद। तो ये था इनका लास्ट प्लेइंग 11। और अब बात करेंगे लास्ट मैच में जो प्लेयरों ने स्कोर यानी रन बनाए थे उन प्लेयरों की। तो आप देख सकते हैं इयान मॉर्गन ने 148 यानी 148 रन बनाए थे, जॉनी ब्रेस्टो ने 90 यानी 90 बनाए थे, जॉय रूट ने 88 यानी 88 बनाए थे। इसके अलावा जिन बॉलरों ने विकेट लिए थे आप देख सकते हैं, जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लिए थे, आदिल राशिद ने 3 विकेट लिए थे और मार्क वुड ने 2 विकेट लिए थे। तो ये थे इनके लास्ट मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर, तो इनको अगर आपने टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किस तरीके का टीम बनाना है, इनको रखना है या नहीं रखना, इनमें से किनको रखना है, किनको ड्रॉप करना है। तो चलिए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले हम विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में बता दो आपके पास 4 ऑप्शन रहने वाले विकेट कीपर में, तो चारों के चारों आप सेलेक्ट कर सकते हैं या चारों में से किसी दो को आप ले सकते हो। नए रूल के हिसाब से आप चारों के चार विकेट कीपर तक ले सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको चारों को लेना है या किसी एक को या किसी दो या किसी तीन को लेना है। वैसे मैंने 2 विकेट कीपर सेलेक्ट कर रखा है, आपने देख सकते हो, जॉनी ब्रेस्टो को लिया है, कुशल परेरा को लिया है। इसके अलावा जॉश बटलर को ले सकते हो, कुशल मेंडिस को ले सकते हो। तो 2 ऑप्शन आपके और बचते हैं, या फिर आप चारों को ले सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको चारों को लेना है चारों को ले लीजिएगा, या फिर आप दो को लेना चाहते हो तो दो को ही ले सकते हो या किसी एक को भी ले सकते हो। जो दो मैंने लिए जॉनी ब्रेस्टो और कुशल परेरा है। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन में मैंने जॉय रूट को लिया, दिमुथ करोरत्ने को लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लेहरू तिरिमाने को सेलेक्ट कर रखा है। अगर लेहरू तिरिमाने खेलते हैं तो उनको लूँगा, नहीं तो अगर उनकी जगह अविष्का फर्नांडो खेलते हैं तो अविष्का फर्नांडो को मैं लूँगा। तो ये मैं चेंजेस करूँगा अगर टॉस होने के बाद अगर पॉसिबिलिटीज हो तो। इसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास है आप देख सकते हैं, एंजेलो मैथ्यूज को आप ले सकते हो, इयान मॉर्गन लास्ट मैच में 148 रन बने थे इनको आप ले सकते हो। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, जैसन रॉय के फिट होने के चांसेस कोई न्यूज़ नहीं है तो इनको ना ले तो ही अच्छा होगा। तो 2 ऑप्शन बचते हैं जो 4 बैट्समैन सेलेक्ट किए उसके अलावा। तो अगर आप उन चारों से जो 4 मैंने सेलेक्ट किया अगर इनसे सेटिस्फाई तो इन चारों के साथ जा सकते हो, जॉय रूट, दिमुथ करोरत्ने, लेहरू तिरिमाने, जेम्स बीन। यहाँ पर लेहरू तिरिमाने, अविष्का फर्नांडो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा तो टॉस का जरूर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो मैंने बेन स्टोक को लिया है, धनंजय डी सिल्वा को लिया। इसके अलावा श्रीवर्धन को ले सकते हो, मोइन अली लास्ट मैच में खेले तो इनको ले सकते हो, तीसरा परेरा को ले सकते हो। तीसरा परेरा का परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं है आपको बता दूँ, फिर भी आप इनको ले सकते हो, 46% लोगों ने लिया आप देख सकते हो, अगर आप इनको लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। इसके अलावा जो 2 ऑलराउंडर मैंने लिया अगर इनसे सेटिस्फाई तो इन्हीं के साथ जाएगा, बेन स्टोक और धनंजय डी सिल्वा। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। तो लसित मलिंगा को लिया, क्रिस बॉक्स के लिए, जोफ्रा आर्चर को लिया। क्रिस बॉक्स की बात करते हैं, क्रिस बॉक्स का आप देख सकते हो 58% लोगों ने लिया और ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, एक मैच बाद एक मैच परफॉर्म किए उन्होंने।
इस मैच में परफॉर्म करने के चांसेस है। इसके अलावा इसी रुदाना आपके पास है, ऑप्शन है नॉन प्रदीप को ले सकते हो, आदिल राशिद, मार्क वुड, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास बचता है, इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो, या फिर जो तीन बॉलर मैंने सेलेक्ट किया इनसे सेटिस्फाई हो तो इनके साथ जा सकते हो। जो तीन बॉलर मैंने लिए लसित मलिंगा, क्रिस बॉक है, जोफ्रा आर्चर है। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीव्यू और कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर जॉय रूट को मैंने कैप्टन बनाया, डिमुत करोनते को वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा जेम्स विंस को बना सकते हो ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो आप। इसके अलावा जॉनी ब्रेस्टो आपके पास ऑप्शन है, कुशल परेरा हो गए, इसके अलावा बेंस्टो हो गए, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास बचता है, इनमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बॉलर में बात करते हैं क्रिस बॉक्स को बना सकते हो, जोफ्रा आर्चर को बना सकते हो, तो कुछ ऑप्शन आपके पास बचता है, इनमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, या फिर जो दो मैंने सजेस्ट किया इनके साथ भी जा सकते हो, इनसे अगर सेटिस्फाई हो तो, जॉय रूट और दिमुत करोड़रत्ने। और इसके बाद एक बार टीम भी पूरा देख लीजिएगा, आपको लगता है कोई प्लेयर इसमें से परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको चेंज करके जो लगता है आपको परफॉर्म करेगा उनको ले सकते हो। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता है फ्रंट नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है बस उसके ऊपर टच ही करना, तो प्लीज़ यार कर दो ना टच। एंड आई होप आप लोग इस टीम से बहुत अच्छा विन करोगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। एंड वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और हमारे चैनल भी थोड़ा प्रमोट हो जाए। एंड आई होप इतने रिक्वेस्ट किया तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।